हाय गाइस, आज हम नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कोई भी कंपटीशन एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नर्सिंग के बाद जो होते हैं उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो डील कर रहे हैं उसमें आज का हमारा टॉपिक है कि जो इंपॉर्टेंट लैब वैल्यूज़ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लैब वैल्यूज़। सबसे पहले है बेसिक है, जो कि हमें सबको पता है, इस पे ज़्यादा फोकस करने की मतलब ये तो याद होनी होनी चाहिए कि CBC के काउंट क्या क्या होते हैं, जैसे कि RBC की है, WBC की है, हीमोग्लोबिन, हीमेटोक्रेट और प्लेटलेट्स। इसके बाद के कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आर्टीरियल ब्लड गैस AVG जिसको हम बोलते हैं, उसमें pH कितना होना चाहिए 7.35 से लेके 7.45, PaCO2 कितना होना चाहिए, बाइकार्बोनेट, O2 सेचुरेशन, PaO2 और BE, इन सब की वैल्यूज़ दे रखी है। इसके बाद आता है रीनल फंक्शन से रिलेटेड जो भी आस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, क्लोराइड और GFR एंड ग्लूकोज, इसकी वैल्यूज़ दे रखी हैं। न्यूरोलॉजिकल वैल्यू दे रखी हैं CPPP और ICP की। वाइटल साइंस दे रखे हैं, जो कि आइडियल वैल्यूज़ जिनकी है, नॉर्मल रेंजेस दी है ब्लड प्रेशर की, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, पल्स और हार्ट रेट की। लिपिड प्रोफाइल के बारे में थोड़ा दिया हुआ है, LDL, HDL और कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स। उसके बाद LFT की इंफॉर्मेशन दी है, SGOT, SGPT वैल्यू, एल्ब्यूमिन, बिलिरुबिन और अमोनिया AST। इसके बाद कार्डियक मार्कर्स की कुछ वैल्यू दे रखी है, TROP-T, TROP-I वगैरह की, क्रिएटिन काइनेज की और मायोग्लोबिन की। इसके अलावा कोगुलेशन प्रोफाइल दे रखी है, PTA50, INR की वैल्यू, D-dimer की वैल्यू और BMR दे रखा है, बेसल मेटाबॉलिक पैनल दे रखा है, जिसमें कि हमारे जो नॉर्मल जो होते हैं मतलब केमिकल प्रोफाइल जो भी है हमारे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, जैसे कि पोटेशियम, क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, टोटल प्रोटीन, स्पेसिफिक ग्रेविटी या अमाइलेज, इन सब के लेवल दिए हुए हैं। पैनक्रियाटिक फंक्शन जो एंजाइम्स करते हैं, अमाइलेज, लाइपेज, उनकी वैल्यू दे रखी है। डायबिटीज से रिलेटेड HbA1c की वैल्यू दे रखी है कि प्री डायबिटिक कब कहेंगे, डायबिटिक और नॉन डायबिटिक, और जनरल केमिस्ट्री प्रोफाइल दे रखी है कि इंसुलिन, आयरन, ऑस्मोलैरिटी, फॉलिक एसिड, अमाइलेज और अमोनिया। तो ये सारी वैल्यूज़ आप एक बार देखिए, अच्छे से रीड करिए और कोशिश करिए कि आपको ये टू द हार्ट याद हो। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कीजिएगा।